अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा और आप लोग देख रहे हैं हमज़ा टेक। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को रमज़ान मुबारक कहूँगा और हमेशा ये दुआ करूँगा कि आप लोग अपने घर में सेफ रहें, खुश रहें, कोविड-19 से बचे रहें, सैनिटाइज़र्स यूज़ किया करें, 2 मीटर डिस्टेंस रखा करें। चले, ये बातें तो चलती रहेंगी। तो आज हमारे पास प्रोडक्ट है ज़ियोन स्मूथ 4। ये एक्चुअली प्रोडक्ट इसलिए बनाया गया है, यूजुअली इसको कहते हैं गिम्बल, लेकिन इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये प्रोडक्ट ज़्यादातर हम लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, म्यूज़िक वीडियोस अगर किसी को बनानी हो एज़ पर मोबाइल से, और कोई शॉर्ट क्लिप्स बनाते हैं, टेलीफिल्म बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। आप जैसे कि छुट्टियों पर चले जाते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसको साथ लेके कैरी कर सकते हैं, और कैरिएबल चीज़ है, आप इजीली अपने बैग में, और इसका भी खुद एक बैग आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसको ज़्यादा शौक हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। ये मैंने एक्चुअली मंगवाया है shirvdigi.com से, जो कि यहाँ पे इसकी काफ़ी ब्रांचेस हैं और काफ़ी नाम है इसका। तो पहले तो इसको ये काट दिया गया है। ये देखें, एक्चुअली ये थोड़ा बहुत मैंने पहले से काट दिया था क्योंकि मुझे चेक भी करना था, तो यहाँ से इसको निकालेंगे। सी इसकी पैकिंग देखें, पता चलता है कि कोई प्रोडक्ट उठाया हुआ है। इसको हम पूरा नहीं खोलेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से खोलेंगे। ये देखें, सबसे पहले इसका क्या है, ये कैटलॉग टाइप है, क्विक स्टार्ट गाइड है, ये एंड्रॉइड के लिए है, और ये सर्विस कार्ड है। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। सबसे पहले हम खोलेंगे, आप लोग के सामने खोलता हूँ मैं। क्वालिटी देखो भाई लोग, क्वालिटी देखो किस तरीके से उन्होंने पैक करके रखा हुआ है, किस तरीके से उन्होंने सेट करके रखा हुआ है। तो सर, आप लोग के सामने खोलता हूँ मैं, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आ जाता है छोटा ट्राइपॉड है, जो उसकी फिनिशिंग देखें, जो प्रोडक्ट देखें आप, कमाल है भाई। है हालांकि ये प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी है, और ऐसी क्वालिटी ज़्यादातर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं तो तभी आती है। तो इसको इधर रख देंगे, थोड़ा साइड पे रखेंगे बेटा, थोड़ा साइड पे हो जाओ आप। ये इसकी USB है, सी पोर्ट है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो वन एंड ओनली ज़ियोन, इसको हम निकलते हैं। और ये है हमारा ज़ियोन जो कि ऐसे दिखता है। अब इसमें काफ़ी बटन्स हैं जो कि अगर आप देखोगे गौर से, तो ये सारे मेन्यू हैं। मेन्यू का बटन है, क्या नाम है, सॉरी, डिस्प्ले का बटन है, कैमरा बटन है, पावर का बटन है। इससे आप एक्चुअली में जो जूम आउट जूम इन करते हैं फोकस करने के लिए, ये जूम इन जूम आउट करने के लिए ये होता है। ये पीछे दो बटन आते हैं, ये फ़ोन मोड होता है और एक आई गेस स्टैंडर्ड मोड है, तो काफ़ी अच्छा है। अब इसको हम लोग लगाएंगे, पहले तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं, ये वैसे भी सेट हो सकता है। अब मेरे पास फ़ोन है 11 Pro Max, तो इस फ़ोन को अगर हम ऐसे, अच्छा सबसे ज़रूरी चीज़, सॉरी सबसे ज़रूरी चीज़, अभी हार्ट अटैक आ जाता है मुझे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जब भी ये लें, ज़ियोन स्मूथ 4 या कोई भी गिम्बल, आप लोग को एक काम करना है कि फ़ोन आप सबसे पहले इसमें लगाएंगे।
इन केस फ़ोन नहीं लगाया और ये बटन यानी कि पावर बटन ऑन कर दिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात इसमें क्या आती हैं, वो ये आती हैं कि यूजुअली इसकी जो मोटर होती है ना वो अनबैलेंस होकर ख़राब हो जाती है। तो ये इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी नोटपैड पे लिखी गई हैं कि आपको कैसे भी करके सबसे पहले अपना फ़ोन लगाना है। तो ये फ़ोन है, इसको सबसे पहले इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद ये फ़ोन थोड़ा ऐसे हो जाएगा। मैं एक बार सारे नोटिफिकेशन हटा दूँ तो आप लोग को ज़्यादा इजी लगेगा देखने में। सही है, ये फ़ोन है। अब ये लोग समझ रहे होंगे आईफोन ही है। हाँ, ये जेल ब्रेक किया हुआ है मैंने, तो थोड़ा ऐसा है। तो वो अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या ट्वीक्स डाली, क्या डाली, अगर आप लोग को शौक है जेल ब्रेक का। तो ये ऐसे हो चुका है। अच्छा, अब इसमें होता है लॉक, ठीक है। अब ये मैं लॉक, अगर मैं इसको हल्का सा क्लिक करके खोल दूंगा, किधर से करते हैं, सॉरी, यहाँ से, बस ये बटन हल्का सा मस्से करके करना है, ये लॉक खुल जाएगा। अभी फ़ोन आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको देखना है आपका फ़ोन बैलेंस है या नहीं है। अब मैंने एक्चुअली ये पहले से यूज़ किया था तो इसकी वजह से ये पूरा बैलेंस है, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या काम करना है, इसको आपको ये करना है कि ये बटन दबा के रखेंगे, ये खुलेगा और ये खुद ही ऑटोमेटिकली, देखें, सही हो गया। यहाँ से बटन से ऑन हो गया और ये खुद ही सेट हो जाएगा जी। तो आप लोग को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये आएगा कनेक्ट का बटन, ठीक है। हम इसको यहाँ पर कर देंगे कनेक्ट, कनेक्ट करेंगे, सॉरी, मैं आपको कनेक्ट करके देता हूँ। तो यहाँ पर स्मूथ फोर आ जाएगा, उसको हम कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ आएगी कि एंटर इन, एंटर इन भी कह सकते हैं, एंटर नाउ भी कह सकते हैं। एंटर नाउ कहेंगे तो ये इसकी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये खुल चुका है मेरा। और आप देखें कि किस तरीके से मूव होता है, किस तरीके से आपको कैमरे का एंगल लेकर आना है, क्या चीज़ें करनी है। ये मैन्युअली भी कर सकते हैं हम कि कैमरे को ऐसे कर दिया सीधा, लेकिन ये देखें, आप मुझे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखें, सामने जो बेटा, सॉरी, मेरा कमरा थोड़ा मिस हो रहा है, ये मेरा ट्राईपॉड है, ये हम देख सकते हैं, मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और ये अगर हम सामने लेकर आएंगे, ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वीडियो मैंने इसमें बनाई है, ये मैं आपको भी भेज दूँगा। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है, थोड़ा हैवी है तो बेटर है कि दोनों हाथों से पकड़ के। सबसे अच्छी चीज़ ये कि बैलेंस कैसे रखना है आपको। अब जैसे कि अगर आप 11 Pro Max यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये ऑफ जो है वो बाहर निकला हुआ है, तो इधर है, थोड़ा सा अंदर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको खोलना पड़ेगा और इसके अंदर से आप देखो जो कैप नज़र आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल देना। तो आपका फ़ोन ऐसे रहेगा, ऐसे ही नहीं गिरेगा। अगर ऐसे गिर रहा होगा तो आपको ये बाहर निकाल देना है। यूजुअली लोग छोटा फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो छोटा फ़ोन के लिए इजी है, लेकिन ये जो हैवी फ़ोन होते हैं इसके लिए काफ़ी इजी होता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और रिट्रीवेबल में भी बहुत अच्छा है। ये जैसे कि आपको काफ़ी अच्छा लगा, तो बस ये है हमारा ज़ियोन 4, ये आप देख सकते हैं मुझे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में सारी की सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको मैं बाद में गाइड कर दूंगा कि एप्लीकेशन कैसे यूज़ करें, क्या करना है, क्या नहीं करें, क्या सबसे अच्छी चीज़ है, क्या सबसे अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो हम थोड़ा सोचेंगे। तो अभी देखें प्राइस के हिसाब से अराउंड ये है, कोई 315 दरहम का मैंने मंगाया है शेव डीजी से,
और जो कि उसमें शो कर रहा था अराउंड 1 पीस ही उनके पास है, तो अमेज़ॉन से भी ख़रीद सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप बाहर दूसरी कंट्रीज़ में, सॉरी मैं दुबई में रहता हूँ, तो आप दूसरी कंट्रीज़ में हैं तो आप यूजुअली मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, और बहुत सारे शॉप्स, ऑनलाइन शॉप्स होती हैं, वहाँ से मंगवा सकते हैं। प्राइस में भी बहुत अच्छा है, हैवी ड्यूटी है, क्वालिटीज़ की बेहतरीन क्वालिटी है। बाकी अब मैं इसको बाहर लेके जाऊंगा, अभी नहीं, अभी रात हो रही है, तो अराउंड मैं इसको लेके जाऊंगा तकरीबन, आई गेस कल लेके जाऊंगा या परसों लेके जाऊंगा, तो वीडियो शूट करूंगा, तो फिर तब आपको मैं बताऊंगा कि ये वीडियो किस क्वालिटी के बना के देता है। इसका एक अपना सॉफ्टवेयर है ZYPlay के नाम से, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब कि इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई हैं कि आप एडिटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आईफोन की तो आपको पता है कि एडिटिंग ऑलरेडी आई मूवी से होती है, तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और बेस्ट है। तो फ़िलहाल ये था ज़ियोन स्मूथ 4, हमज़ा को दे इजाज़त, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने वीडियो बनाई और बहुत अच्छे स्लो मोशन में वीडियो बनाई, किस तरीके से यूज़ हुआ, कहाँ कहाँ इसने अनबैलेंस किया, कहाँ कहाँ बैलेंस इसका सही हुआ, वो सारी की सारी वीडियोस में आपको मैं ज़रूर गाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो हमज़ा जी को दीजिए इजाज़त।